पिछले वीडियो में मैंने गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आप लोग को उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन जूनियर 2018 जो उसका सिलेबस के बारे में बताया था, जो उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में बताया था। आज के वीडियो में आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो आपका उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियरिंग 2018 में क्या पूछा जा सकता है, चाहे जो भी पहले पूछा गया होगा उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जो ये भी जो मॉडल क्वेश्चन होंगे वो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में भी पूछा जा सकता है, नेट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जो IRA PhD एग्जाम है उसमें भी पूछा सकता है। साथ ही साथ जो स्टेट लेवल के जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो मैं अब आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन जो मॉडल क्वेश्चन पर मैंने सेट किया है वो। तो पहला क्वेश्चन है कि जो यूनिट ऑफ ड्रेनेज कोएफिशिएंट जो आप देख रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन जो है किलोग्राम, टन, सेंटीमीटर, परसेंट। तो जो जो ड्रेनेज कोएफिशिएंट है उसका यूनिट क्या होता है, तो सेंटीमीटर होता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि ड्रेनेज कोएफिशिएंट होता क्या है कि 1 डे जो 24 आवर में किसी एरिया से आप कितना डेप्थ ऑफ वाटर ड्रेन करते हैं तो वो आपका ड्रेनेज कोएफिशिएंट कहलाता है। तो डेप्थ दैट मीन्स सेंटीमीटर, चाहे इसका यूनिट मीटर भी हो सकता है, चाहे इसका यूनिट इंच भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके आंसर यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज फॉर गली इरोजन कंट्रोल। तो उसमें जैसे ऑप्शन है चेक डैम जो ऑलरेडी गली इरोजन कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, ब्रश डैम वो भी होता है इसका ऑप्शन, लूज रॉक डैम ये भी होता है, हाई डैम ये तो कभी आप लोगों को सुना भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हाई डैम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल मेथड ऑफ इरोजन कंट्रोल। तो इसका ऑप्शन जो दिया है कंट्रोल फार्मिंग ये ऑलरेडी इरोजन कंट्रोल के लिए होता है, और मैकेनिकल मेथड दूसरा कंजर्वेशन टिल ये भी होता है, तीसरा जो है ऑप्शन फ्री क्रॉपिंग ये नहीं होता है, चौथा ऑप्शन देखें स्मॉल डैम ये भी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्री क्रॉपिंग होगा। चौथा जो क्वेश्चन है आपका बीच ऑफ फ्लोइंग इन नॉट ए स्टेज ऑफ गली डेवलपमेंट। तो आप लोग जानते हो कि जो गली डेवलपमेंट का जो है 4 स्टेजेज होते हैं, उसमें होता है फॉर्मेशन स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, हीलिंग स्टेज, एक और स्टेज होते हैं, बट 0 स्टेज इसमें नहीं आता है, तो इसलिए इसका आंसर 0 स्टेज, क्योंकि उसमें पूछा नॉट ए स्टेज ऑफ गली डेवलपमेंट। जो पांचवा जो आपका क्वेश्चन है उसमें है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जो जो कंट्रोल जो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स होते हैं आपका, एक टेम्प्रोरी होता है, दूसरा परमानेंट होता है। तो इसमें पूछा नॉट ए परमानेंट, तो इसमें देखिए कंटूर बंड जो टेम्प्रोरी होता है, ड्रॉप स्पिलवे ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, परमानेंट चेक डैम ये भी होता है परमानेंट, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे भी। तो इसका जो पूछा नॉट ए परमानेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटूर बंड। छठा क्वेश्चन जो है तो बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इरोजन ड्यू टू वाटर। पूछा कि वाटर इरोजन का टाइप नहीं है, तो जो वाटर इरोजन का जो टाइप है आप कैसे जानते होंगे, और स्प्लैश इरोजन एक होता है या उसको रेन ड्रॉप इरोजन भी बोलते हैं, दूसरा होता है सीट इरोजन, थर्ड होता है रील इरोजन, चौथा गली इरोजन, और पांचवा जैसे रवायन हो गया वो कैनियन इक्वल हो गया, बट फाइनल इरोजन नॉट ए टाइप ऑफ वाटर इरोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल इरोजन। जो सातवां क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का प्रोसेस कौन नहीं है, तो आप लोग जानते हो सॉइल इरोजन होता क्या है, तो सॉइल इरोजन इज द प्रोसेस 3 स्टेज फिनोमिना विच डिटैच द सॉइल पार्टिकल, ट्रांसपोर्ट सॉइल पार्टिकल एंड डिपॉजिट सॉइल पार्टिकल। तो क्या पूछा, डिटैचमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, दोनों होते हैं, बट इसमें एक ऑप्शन है साइनिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल, तो ये सॉइल इरोजन का प्रोसेस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइनिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल। आठवां जो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का टाइप कौन है, तो आप लोग जानते हो सॉइल इरोजन मेनली 2 टाइप्स होते हैं, वन होता है एक्सीलरेटेड इरोजन जो उसको मैन मेड इरोजन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है जियोलॉजिकल इरोजन या इसको नेचुरल इरोजन भी बोलते हैं। तो ये दोनों तो ऑलरेडी सॉइल इरोजन का टाइप है, एक वाटर इरोजन, तो जियोलॉजिकल जो इरोजन है उसके अंदर वाटर इरोजन और विंड इरोजन है, तो ये भी उसका टाइप है, बट सिंगल इरोजन नॉट ए टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, तो इसका ऑप्शन सिंगल इरोजन हो जाएगा। जो नौवां क्वेश्चन है स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन, तो स्पेसिंग कितना होता है, तो जनरली नॉर्मली जो आपका है जो टाइल ड्रेन का जो स्पेसिंग होता है 9 to 60 मीटर होता है, इसका आंसर जो डेप्थ ऑफ टाइल ड्रेन क्या होगा, तो जनरली जो आपका जो टाइल ड्रेन है उसका जो डेप्थ होता है, जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन जो होता है टाइल ड्रेन का, वो 0.75 to 1.5 मीटर होता है, जिसका आंसर ये हो जाएगा। जो आपका है अब इसमें 11th नंबर का जो क्वेश्चन है विच मेथड शुड बी यूज फॉर इरिगेशन एंड डिलूटिंग, डिलूटिंग में उबड़ खाबड़ आपका जो हो गया मतलब, तो उसका जैसे फ्लडिंग मेथड हो गया सरफेस का, तो ये प्लेनेरियम होता है, फरो हो गया ये भी प्लेन में होता है, चेक बेसिन ये भी, बट स्प्रिंकलर इरिगेशन
ये क्या है, ये टाइप ऑफ प्रेशराइज इरिगेशन, ये जनरली आपका अंडुलेटिंग फिल्म होता है स्प्रिंकलर, और एक यह होता है ड्रिप, इसको भी आप अंडुलेटिंग फिल्म होती है, इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। 12th नंबर का क्वेश्चन जो है, बीच ऑफ फ्लोइंग नोट ए मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन, तो आपको क्या बताया कि फ्लडिंग, फरो, चेक बेसिन, बॉर्डर, सब आपका सरफेस इरिगेशन का मेथड है, बट इसमें पूछा नोट, तो देखिए फ्लडिंग मेथड ऑलरेडी है इसका टाइप मेथड है, बॉर्डर भी इसका सरफेस इरिगेशन मेथड है, क्रिटिकल इसका नहीं है, एक चेक क्वेश्चन, तो ये है, ये ऑलरेडी है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल इरिगेशन। 13th नंबर का जो क्वेश्चन है, नोट ए मतलब बीच ऑफ फ्लोइंग नोट ए मेथड ऑफ इरिगेशन, पूछा कौन मेथड पर, नहीं तो ड्रिप इरिगेशन है, सब सरफेस भी है, पीचर भी है, बट यहाँ एक ऑप्शन है एक्सीलेटरी इरिगेशन, ये इसका टाइप नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सीलेटरी। ये पूछ रहा है 14 ड्यू टू इवेपोरेशन द लिक्विड वाटर इज ट्रांसफर, क्या होता है इवेपोरेशन के बाद वो जो आपका लिक्विड वाटर है वो ट्रांसफर कर जाता है कहाँ, एटमोसफेयर में, तो इसमें ऑप्शन दिया रिवर जो नहीं नहीं होगा, पॉन्ड नहीं होगा, ये तो क्या है वाटर रिसोर्स, सोर्स ऑफ वाटर है, तो इसका पूछा कहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा एटमोसफेयर। 15th नंबर क्वेश्चन ओवर इरिगेशन रिजल्ट्स के, तो ओवर ज्यादा इरिगेशन करने से क्या होगा, ज्यादा पानी दे दे तो क्या होगा, यील्ड घट जाएगा, बट यहाँ है यील्ड बढ़ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ बोल रहा सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो जाएगी, नहीं पॉसिबल है, डिग्रेड हो जाएगी, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब बोलता है जितना चाहिए पानी उतना दे रहा है, ऐसा नहीं है पर ओवर देने, ज्यादा पानी देने, तो पॉसिबल नहीं है, बोला नो, ये इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। जो 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वो पूछ रहा है कि इफिशियंट इरिगेशन टू द क्रॉप्स विल प्रोवाइड, क्या बोलता है, अगर जितना पानी चाहिए उतना दीजिए क्या होगा, तो यील्ड आपका बढ़ जाएगा, तो पहला ऑप्शन भी बोल रहा है यील्ड बढ़ जाएगा, दूसरा बोला वाटर लॉन्ग है ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो बोला साल कंसिस्टेंट बढ़ जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब और ना हो, तो इसमें ये जैसे इनके वाटर लॉन्ग है सर, ये क्या होता है जनरली आपका क्या हो, पुअर ड्रेनेज होने के कारण ये दोनों कंडीशन क्रिएट होते हैं, वो वाटर इनके वाटर लॉगिंग और साल, बट इसमें बोला एफिशिएंट इनके कारण क्या हो, इंक्रीज क्रियोपरेट, इसका आंसर ये हो जाएगा। 17 में जो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होता है, तो जैसे बहुत सारे आप एफिशिएंसी के टर्म सुने होंगे, जो वाटर कन्वेंस हो गया आपका, वाटर एप्लीकेशन हो गया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वाटर स्टोरेज, बट यहाँ पूछा है कि वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या है, तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी ये होता है कि आपका जो सोर्स हो गया फील्ड हो गया, तो सोर्स से फील्ड पर ले जाने में कितना पानी यूज हो रहा है, कितना यूज, तो इसमें क्या है वाटर कन्वेंस मीन्स वाटर डिलीवर टू द फील्ड पर यूनिट वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स, ये होता है आपका वाटर कन्वेंस इफेक्ट, तो इसका ऑप्शन क्या है वाटर स्टोर ये पॉसिबल नहीं है, वाटर नीडेड टू पॉसिबल नहीं है, इनफॉर्मेट नहीं, तो नन ऑफ द, इसका आंसर नन ऑफ द होना चाहिए। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी जो होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पूछा किसको किसको डिपेंड करता है, इसमें है ऑप्शन में वाटर सप्लाई टू सप्लाई एट सोर्स ये नहीं होगा, वाटर डिलीवर्ड एट द फील्ड ये नहीं होगा, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर ड्यूरिंग इरीगेशन ये हो सकता होगा, तो ये इसका ऑप्शन सी होगा, मतलब टू बीच ऑफ द फ्लोइंग द ड्यूटी ऑफ वाटर, जैसे आप लोग तीन टर्म पूछे होंगे, तीन टर्म के बारे में आप लोगों ने इसमें सुना होगा इरिगेशन में, एक होता है डेल्टा, दूसरा होता है ड्यूटी, ये होता एक होता है आपका डेल्टा, दूसरा होता है ड्यूटी, और तीसरा होता है बेस पीरियड, बेस आप लोगों ने ये सुना भी होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 864 BD होता है, तो ये होता है तीनों के बीच में रिलेशन, तो डेल्टा क्या होता है कि डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई टू द फील्ड, मतलब कितना डेप्थ ऑफ पानी फील्ड में दिए डेल्टा, ड्यूटी होता है कि एरिया पर यूनिट वाटर डिस्चार्ज, मतलब कि पर यूनिट जो डिस्चार्ज है उससे कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, और तीसरा होता है बेस पीरियड, मतलब प्लांटिंग टू हार्वेस्टिंग का जो पीरियड होता है क्रॉप का वो होता है बेस पीरियड, और इसके बीच तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है, डेल्टा इज इक्वल 864 मतलब 864 BD मतलब बेस पीरियड पर यूनिट ड्यूटी होता है, तो ये तीसरा पूछ रहा है कि आपका कि ड्यूटी क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज, एरिया टू बी इरिगेटेड दूसरा ऑप्शन, तो हाइट ऑफ क्रॉप नो, तो इसमें हो जाना चाहिए, इसे इसका आंसर होना चाहिए एरिया टू बी इरिगेटेड। लाइसी अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, लाइसीमीटर यूज टू डिटरमाइन क्या, लाइसीमीटर जनरली आपको जनरली क्या मतलब, लाइसीमीटर इवेपो ट्रांसमिशन मेजरमेंट के लिए होता है, तो इसका आंसर इवेपो ट्रांसमिशन याद रखिए। पूछ रहा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर एज वेपर इन टू एटमोसफेयर बाय लीव्स एंड प्लांट और लिविंग प्लांट, मतलब कि जो आपका जो एटमोसफेयर में जो वाटर जो है आपका क्या बोलते हैं एवोपरेट हो जा रहा है ड्यू टू लिप्स मतलब थ्रू लिप्स एंड स्टेम, तो उसका आंसर हो जाएगा वो तो सिंपल है कि ट्रांसपिरेशन हो गया आपका, तो इसका आंसर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोपरेशन पेन मेड ऑफ किससे बना होता है, तो एवोपरेशन पेन जो आपका इसे जिसे इसमें ऑप्शन है ब्रास, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, तो इसका आंसर इसे आपका माइल्ड स्टील होना चाहिए, माइल्ड स्टील होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ कॉमनली जैसे ऑपरेशन पैन है उसका डायमीटर कितना होता है, बस इसको याद रखें 120 सेंटीमीटर होता है, जो पैन
जो आपका है ना, आपका ये पैन एवेपोरिमीटर, इसका आपका जो डायमीटर होता है 120 होता है, डेप्थ ऑफ वाटर जो होता है उसमें 25 होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। और इसमें जो आपका जो पैन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू यूज करते हैं, जो पैन है जो स्टैंडर्ड माना जाता है, उसमें उसका 0.7 होता है, ये आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अभी चलो, फ्लोइंग नॉट रिलेटेड टू बीन डिरोजन, बीन डिरोजन से कौन रिलेटेड नहीं है? तो ये ऑप्शन क्या है, स्पीड ऑफ बीन ये होगा, एज ऑफ सॉइल ये नहीं होगा, जैसे मॉइस्चर कंटेंट ये भी होगा, क्योंकि आपका मॉइस्चर ज्यादा है तो आपका बीन डिरोजन कम होगा, बहुत यहाँ पूछा नॉट, तो एक टेक्सचर ये भी होगा, तो इसमें एज ऑफ सॉइल हो जाएगा ऑप्शन सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी चलो, फ्लोइंग नॉट ए ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कौन सा नहीं? तो आप जनरली दो को जानते ही होंगे, सरफेस एंड सब सरफेस, तो देखिए सरफेस एंड सब सरफेस है, एक ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम ही नॉट ए ड्रेनेज सिस्टम, बट इट इज एन इरिगेशन सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, नॉट है, तो इसका ड्रिप सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो, फ्लोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ड्रिप इरिगेशन, बोल रहे ड्रिप इरिगेशन क्या है, देखिए यहाँ पे इरिगेशन बोल रहे हैं, सेम क्वेश्चन ऊपर था, नॉट ए ड्रिप सिस्टम, जिससे ड्रिप नॉट ए ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रिप इसमें कौन से कंपोनेंट ड्रिप इरिगेशन नहीं है? तो देखिए इसमें है हेड यूनिट ये होता है, परफोरेटेड पाइप एक है, तीसरा ऑप्शन है वाटर कन्वेंशन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप और ड्रिपर, तो इसमें परफोरेटेड पाइप नहीं होता है ड्रिप सिस्टम में, ये इसका आंसर ये हो जाएगा, परफोरेटेड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच कंट्री द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बाय ओनली डेवलप, कहाँ हुआ था? तो इजराइल में हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि इजराइल में हुआ था, कौन किए थे, सिमचा ब्लास किए थे, आपका सिमचा ब्लास इसका फाउंडर था, मतलब जो साइंटिस्ट जो खोजा था वो सिमचा ब्लास था, वो इजराइल के थे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ फ्लोइंग नोट ए कंपोनेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, उसमें था कि ड्रिप का नहीं है, इसमें कौन नहीं है? तो देखिए पंप, स्प्रिंकलर नोजल, मेन एंड लेटरल पाइप, ड्रिप नोजल, देखिए इसमें ड्रिप नोजल नहीं होता है। तो 29 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड ऑन, बोल रहा है कि जो वाटर का जो ऑपरेशन होता है किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो टेम्परेचर है ऑप्शन, टेम्परेचर ऑफ एयर इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, ह्यूमिडिटी है, डेप्थ ऑफ वाटर है, तो जो रेट ऑफ ऑपरेशन है ना आपका, वो आपका डेप्थ ऑफ वाटर से उसका कोई मतलब नहीं है, उसका अगर जैसे डेप्थ से क्या मतलब, वो तो ज़्यादा डेप्थ है तो अच्छा है कि वहाँ पर ऑपरेशन कम होगा, अगर मान ली अगर वेथ अगर ज़्यादा होगा तो ऑपरेशन ज़्यादा होगा, बट डेप्थ से उसको मतलब नहीं, तो डेप्थ होगा इसका। जैसे ऑपरेशन प्रोसेस इज डैश प्रोसेस, तो ये ऑपरेशन प्रोसेस क्या है आपका, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, तो ये फिजिकल फिनोमिना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, क्या है इवेपोरेशन, क्या होता है? तो इवेपोरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, पूछ रहा है, देखिए आपको बताया था डेल्टा ड्यू टू बेस, पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ डेल्टा क्या होता है भाई, तो डेल्टा की यूनिट हो जाएगा मीटर, मतलब क्या बताया था, दे तो वाटर प्लेट ऑफ फिल, तो इसलिए यूनिट हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मेनली एस्टिमेटेड बाय, बोल रहा है कि जो किसी भी क्रॉप का जो वाटर रिक्वायरमेंट कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो उसका ऑप्शन जैसे यहाँ दिया है, क्रॉपिंग, क्रॉप प्लानिंग ऑन द फार्म, डिटरमाइनिंग ट्रांसपरेशन, डिटरमाइनिंग वाटर लॉस, नन ऑफ द, तो वाटर रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, दैट मीन्स आपका क्रॉप प्लानिंग ऑन द फार्म, नहीं इसका जैसे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मेनली एस्टिमेटेड बाय क्या हो जाएगा आपका, मेनली एस्टिमेटेड बाय, तो आपका हो जाएगा डिटरमाइनिंग ट्रांसपरेशन, ये इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। डेप्थ ऑफ कॉमनली यूज इवेपोरेशन पैन क्या होता है? तो आप लोग को मैंने बताया था कि 25 सेंटीमीटर आपको होते हैं, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो परमेक्सिमल जो मेन वेलोसिटी अर्थ चैनल सैंडी लूम सॉइल कितना होना चाहिए? इसका मेरे हिसाब से इसका 4। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिसिबल मीन फ्लो वेलोसिटी इन अर्थन चैनल इन सैंडी लूम सॉइल, तो इसका जैसे ऑप्शन यहाँ दिया हुआ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100, तो इसका आंसर जो है आपका 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 40 नहीं 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट आप लोग जो भी ये क्या बोलते हैं, जो भी इसके जो अदर सॉयल्स हैं, जैसे आपका यहाँ तो पूछा गया सैंडी लूम सॉयल, तो इसके लिए क्ले सॉयल हो गया, आप चाहे सैंडी सॉयल हो गया, उन सभी का जो भी मीन फ्लो वेलोसिटी होगा अर्थन चैनल के लिए, वो आप टेक्स्ट बुक के थ्रू आप देख लीजिएगा, बट यहाँ सैंडी लूम सॉयल का 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए सिग्निफिकेंट सॉयल बिल्डिंग क्रॉप ग्रुप्स क्या होता है? जैसे यहाँ ऑप्शन है सीरियल क्रॉप, लेगुमिनस क्रॉप, फूडर क्रॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा
लेगुमिनस क्रॉप क्या करता है, लेगुमिनस क्रॉप का सॉयल बिल्डिंग क्रॉप कहलाता है। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डर स्लोप फॉर क्ले टू क्लेलुम सॉयल इज केप्ड। तो बॉर्डर स्लोप जो आपका होता है ना क्ले टू क्लेम सॉइल के लिए होता है 0.05 से 0.2% होता है क्ले के लिए। बट आपको बता दूं इसके साथ ही जो मीडियम सॉइल होता है उसका 0.22 से 0.4 होता है। और उसका फिर सैंडी सॉइल जो होता है, सैंडी सॉइल जो होता है सैंडी लूम, उसका जो होता है आपको बॉर्डर स्लोप 0.4 से 0.65 होता है। बट यह जो क्वेश्चन क्ले टू क्लेलुम के लिए 0.05 से 0.2 होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग ए ट्रेस सिस्टम इन द इज द सिलेक्शन ऑफ क्या है। तो जो आपका है इसका इसका हो जाएगा आपका आउटलेट सेक्शन हो जाएगा उसका। फिर आपका जो है पूछ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल कितना जानते हैं आप, 1 4 मीटर स्क्वायर होता है। तो यह कौन सा है, तो देखिए आपका ये हो जाएगा सी नंबर। रेशन फॉर्मूला आपको ऑलरेडी एक जो मेरे पिछले एक वीडियो अपलोड किया गया है उसमें आपको हाइड्रोलॉजी का है, उसमें आपको बताया गया है पूरा डिटेल में हाइड्रोलॉजी के बारे में, उसमें भी देख सकते हैं। बट यहाँ जो क्वेश्चन है कि रेशनल फॉर्मूला इज यूज टू एस्टिमेट, तो इसका जो होता है पिक फ्लो रेट होता है। पिक फ्लो रेट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेशनल फॉर्मूला जो है पिक फ्लो रेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिंग्स फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन, तो मैनिंग्स फॉर्मूला का यूज क्या कहाँ करते हैं, तो फ्लो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। जैसे आपका फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 r/2/3 s/1/2 होता है, तो ये आपका क्या है मैनिंग्स फॉर्मूला है। तो उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे चेजिस फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, तो चेजिस फॉर्मूला भी आपका फ्लो वेलोसिटी मेजर करता है। तो चेजिस फॉर्मूला जैसे आपको अभी इक्वल टू c√r/s होता है, ये चेजिस फॉर्मूला होता है, तो ये क्या है फ्लो वेलोसिटी मेजर करता है। जो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर जो डिजाइन फॉर रिकरेंस इंटरवल कितने दिन के लिए करते हैं, तो जनरली नॉर्मली 10 ईयर्स के लिए करते हैं, इसका 10 ईयर होगा। जो फिर नेक्स्ट वो प्राइमरी कॉज ऑफ फेल्योर परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलता है, परमानेंट जो गली कंट्रोल उसका जो फेल्योर होता है उसका प्राइमरी कॉज क्या होता है। तो ऑप्शन दिए हैं इन सफिशियंट हाइड्रोलिक कैपेसिटी, इन सफिशियंट फ्लो वेलोसिटी, बोथ ऑफ द, तो इसका दोनों हो सकता है। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्पेसिंग ऑफ मोल्ड ड्रेन जो है कितना होना चाहिए, तो इसका 1.5 से 9 मीटर होना चाहिए। यहाँ पर जो दिया हुआ आंसर उसके आंसर होना, बट नॉर्मली आपका 3 मीटर होता है, तो जो आपका 1.5 से 9 मीटर के रेंज में है, तो इसका आंसर ये होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन हैवी रेनफॉल एरिया विच टाइप ऑफ बेंच टेस्ट शुड बी प्रेफर्ड, तो हैवी रेनफॉल एरिया में कौन सा प्रेफर करते हैं, तो होना चाहिए आपका स्लोपिंग आउटवर्ड होना चाहिए आपका, स्लोपिंग आउटवर्ड, तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप पूछ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने पहला क्वेश्चन बनाया कि ड्रेनेज क्वेश्चन, ड्रेनेज क्वेश्चन बताया था। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन है कि ड्रेनेज क्वेश्चन डिफाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर ड्रेन फ्रॉम इन एरिया, तो आपको बताया था कि एक दिन में मैंने 24 आवर, तो इसका 24 आवर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वैल्यू ऑफ ड्रेनेज क्वेश्चन कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन में आप जैसे क्रॉप हो गया, फील्ड साइज हो गया, रेनफॉल हो गया, नो, तो बोलता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द वैल्यू, जिसमें इसका होना चाहिए क्या किसी एरिया से, तो आपका जो होना चाहिए इसका ड्रेनेज कोएफिशिएंट का, तो इसमें फील्ड साइज होना चाहिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कलेक्टर ड्रेन मस्ट हैव देयर डायमीटर, और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इंक्लूड, सब सरफेस जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस किस चीज को इंक्लूड करता है, तो ड्रेनेज आउटलेट कलेक्टर और लेटरल इसमें सभी होते हैं। अभी जो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन्वर्सल सॉइल, जो आपका इन्वर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन जो है किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, इज टू कैलकुलेट क्या, तो इसमें आपका हो जाएगा एवरेज एनुअल सॉइल लॉस, इसका आंसर एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। बस दोस्तों आज बस इतना, आज का मॉडल क्वेश्चन इतना ही है। बस मैं जो अगला वीडियो जो आगे का जो क्वेश्चन है चाहे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का 50 क्वेश्चन जो है आप इसको देखिए, और अगर आपको कहीं क्वेश्चन में आंसरिंग में अगर प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट के थ्रू बताइए। अगर फिर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से आपको बता पाऊँ। थैंक यू।